Okay, Homier, one question that there is in case of reading newspapers, where there are many columns, lines from two different columns merged. So suggest an app which has column detection. Homer, we've lost your audio. I've unmuted you. Yeah, okay. Right. Can you hear me? Yeah. You got that question or should I repeat it? Yes, yeah, I got the question. Okay. So I switched from my Android to laptop now. Yeah. So basically, I answered this earlier also. I'm repeating it because it's a very important question. Mm-hmm. There are no such applications which I can say ke guaranteed ye aapka newspaper sahi padega. एक्यूरेसी से क्योंकि उसमें कॉलम्स जो है वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से न्यूज़पेपर में बताई जाती है. न्यूज़पेपर पढ़ने का जो एकमात्र तरीका जो बिल्कुल सहज है सही है वो है आप उसके ई एप्लीकेशन में जाइए, ई न्यूज़पेपर्स पढ़िए. ई न्यूज़पेपर्स पढ़ने में आपको आसानी ये होगी कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कॉलम में क्या लिखा है. आप टॉपिक बाय टॉपिक, हेडिंग बाय हेडिंग, लिंक बाय लिंक जा सकते हैं. आप क्लिक करिए, पूरा आर्टिकल पढ़िए. तो ई न्यूज़पेपर्स पे ही आप कॉन्सेंट्रेट करिए. स्कैन एंड रीड आप न्यूज़पेपर्स में ना करें. स्कैन एंड रीड आप छोटे डॉक्यूमेंट्स में करिए, टेक्स्ट बुक साइज के जो डॉक्यूमेंट्स है या उससे छोटे, या पैकेजिंग है या मेडिसिन है, ऐसी चीजों में आप स्कैन एंड रीड का इस्तेमाल करिए. So, Homier, are there any newspapers that you would recommend which are probably on? Bilkul. For English, Marathi, Hindi, Divya Bhaskar, jo Divya group ke jo applications hai. We have tested them for accessibility. We have demonstrated them also during our workshops. So, I would definitely recommend people to just refer to our current affairs section on India Bookshare. Jahan, if from memory, we had demonstrated the English version of the Divya Bhaskar app, the Hindi version, Marathi version, Hindu bhi bataya tha. And all these are very good, very accessible applications. We had also shown Google News, Microsoft News. Ye bhi aap use kar sakte ho. Google News ko bhi aap agar chahe to aapki language ke hisab se customize kar sakte ho. That was also shown during that program. और उसका फायदा यह है कि आप गूगल न्यूज अगर उड़िया में चाहिए तो सिर्फ उड़िया में ही आपको न्यूज पढ़ के बताएगा, आपको इंग्लिश में नहीं बोलेगा, सारी उड़िया आइटम्स ही बताएगा. तो उससे काफी फायदा होता है जो रीजनल लैंग्वेज यूजर्स है उसके लिए. तो गूगल न्यूज इज वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज. व्हाट अबाउट प्लेसेस लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स एंड ऑल दैट? टाइम्स का भी ऐप अच्छा है, टाइम्स नाउ जो है उसका ऐप इज वेरी एक्सेसिबल. हिंदुस्तान टाइम्स आई हैव नॉट टेस्टेड एज येट. इंटरनेशनल के लिए आप बीबीसी यूज कीजिए. राइट, सो दीज आर प्रीटी स्टैंडर्ड, प्रीटी एक्सेसिबल. द हिंदू आल्सो यू सेड, राइट? यस, हिंदू इज आल्सो प्रीटी एक्सेसिबल. लैपटॉप के ऊपर भी है हिंदू का. ये सारी बिकॉज दे आर वेबसाइट्स आल्सो एंड एप्लीकेशंस आल्सो. सो इफ यू आर यूजिंग इट ऑन अ लैपटॉप यू शुड यूज डायरेक्टली गो टू द वेबसाइट और शुड स्टार्ट विद गूगल न्यूज. Depending upon what article you want to read and who has published that article, it will directly open the website of that particular newspaper. Right. ये मैं अगर बताएं तो अगर आप Google News खोलते हैं या Microsoft News खोलते हैं, वो आपको headlines बताएगा. ये headlines अलग अलग newspapers ने दी होती है. कोई headline नव भारत टाइम्स ने दी है, कोई टाइम्स ऑफ इंडिया ने दी है, कुछ हिंदुस्तान टाइम्स ने दी है. तो जो आप पढ़ना चाहते हो उस न्यूज़पेपर पे डायरेक्टली वेबसाइट खोलेगा. ना सिर्फ वेबसाइट खोलेगा पर वो डायरेक्टली वो आर्टिकल पे आपको फोकस ले जाएगा. तो आपको पढ़ने के लिए बहुत ही आसान है. ये न्यूज़पेपर्स पढ़ना अभी बिल्कुल ही डिफिकल्ट रहा ही नहीं है. ओके, देयर इज अनदर क्वेश्चन. अमीर, समवन इज आस्किंग टू एक्सप्लेन फर्दर अ लिटिल बिट मोर अबाउट आईडी प्रो. यू टॉक्ड अबाउट आईडी प्रो. ID Pro is a combination of 7-8 different facilities on your phone. तो ID Pro अगर आप एक बार चलाते हो और Pro है उसका मतलब कि ये paid application है, आपको खरीदना होगा. ID Pro में सबसे पहले जो है आप accessible camera है उसमें, तो accessible camera से आप जब चाहे selfie ले या किसी और की photograph लेते हैं तो face recognition use करता है और सामने कितने लोग है, वन फेस डिटेक्टेड, टू फेसेस डिटेक्टेड, ऐसे बोलेगा. तो
तो अगर आप दो लोगों की सेल्फी साथ में ले रहे हैं तो जब तक आपको टू फेसेस डिटेक्टेड ना बोले तब तक आप कैमरा को थोड़ा मूव करिए, जैसे ही टू फेसेस डिटेक्टेड बोले कैमरा को स्टिल पकड़ के रखिए, हिलाइए ना और कैप्चर कर लीजिए। दूसरा उसका ऑप्शन है ट्रैवल मोड, जो हमें इतना पसंद नहीं आता है। ट्रैवल मोड तब यूज करते हैं जब आप बाहर जा रहे हैं, बस में, रिक्शा में, गाड़ी में, तो कॉन्स्टेंटली आपके आसपास क्या है वो बोलता है। पर दूसरे एप्लीकेशंस जैसे कि नियर बाय ऑनलाइन एक्सप्लोरर या लाजरिलो वगैरह है, वो आईडी के ये फीचर से थोड़े ज्यादा बेटर काम करते हैं। तीसरा फीचर उसका है वेयर एम आई, बड़ा अच्छा फीचर है। आप जहां भी है उस लोकेशन को एग्जैक्टली बताएगा। मान लो कि आप कहीं बस से ट्रेवल कर रहे, कोई गलत बस स्टॉप पे उतर गए, आपको मालूम नहीं कहाँ है, कहाँ उतर गए आप, आसपास कोई नहीं है, तो आप वेयर एम आई कर सकते हैं, तो एग्जैक्टली आपको बताएगा। और वहां शेयर लोकेशन का भी ऑप्शन है, वहां से आप शेयर लोकेशन करोगे तो आपके दोस्त को एग्जैक्ट लिंक भेज सकते हो आप कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो आपका दोस्त फिर गूगल मैप्स वगैरह यूज करके डायरेक्टली यहाँ आके आपको मिल सकता है। ये दो लोग अगर कोई अनजान जगह में मिलने वाले हैं कोई, तो भी ये वेयर एम आई यूज कर सकते हैं कि मैं पहुंच गया पहले, मैंने जॉर्ज को भेज दिया वेयर एम आई, तो जॉर्ज फिर मैप चालू करके हम जहां खड़े हैं वहां तक वो पहुंच सकते हैं। उसके बाद अराउंड मी का एप्लीकेशन है, उसमें अराउंड मी इज प्रिटी गुड, जिसमें आपके आसपास में एटीएम, बैंक, फूड, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल वगैरह वगैरह अलग अलग कैटेगरीज है। तो वो कैटेगरी में मानो कि मुझे एटीएम ढूंढने हैं मेरे आसपास में 200 गज के अंदर, कहाँ कहाँ एटीएम है, कौन से एटीएम है, तो वो मुझे सारा लिस्ट बताएगा। और वो लिस्ट के हिसाब से अगर मुझे एचडीएफसी चाहिए तो मैं एचडीएफसी डबल टैप करूंगा और वो फिर गूगल मैप खोल देगा और मैप के सहारे फिर मुझे वहां जाने का रास्ता बताएगा। होटल चाहिए, रेस्टोरेंट चाहिए तो भी कर सकते हैं, वहां से डायरेक्टली आप कॉल भी कर सकते हो, रेस्टोरेंट का नंबर भी आ जाएगा, तो अगर आपको डायरेक्टली रेस्टोरेंट को कॉल करके पूछना है कि भाई आप चालू है नहीं है, आप डिलीवरी करोगे, ये सब भी उसमें पॉसिबल है। उसके बाद है स्कैनिंग वाले ऑप्शंस, रीड इंस्टेंटली वाले हैं, तो वहां पे भी आपने जैसे कीबोर्ड में देखा हमें क्लिक करना पड़ेगा और फिर रीड करेगा वो। दूसरा ऑप्शन है ओसीआर का, जो पेड ऑप्शन है, ऐप पेड है और उसके अंदर से फिर आप और भी ऑप्शंस पे करके खरीद सकते हैं, तो जिसमें ये ओसीआर का ऑप्शन है जो काफी स्ट्रांग है, पर वो पेड ऑप्शन है। कलर रिकॉग्नाइजर भी है इस तरह से, तो इस तरह से अलग अलग एप्स का कॉम्बिनेशन है ये आईडी प्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रुति। या someone asking how can we read Odia through the Kibo app because eSpeak doesn't work. eSpeak definitely works, अगर आपके पास eSpeak का पेड वर्जन आपने लिया है तो जरूर चलेगा। eSpeak का जो फ्री वर्जन है वो बिल्कुल नहीं चलता है, उसको आप बिल्कुल अनइंस्टॉल कर दीजिए। पेड वर्जन ज्यादा महंगा नहीं है, 88 रुपीस का है, वो पक्का चलेगा। हाँ, उसकी आपको पसंद आए ना आए वो एक उसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, पर पढ़ेगा जरूर वो eSpeak ओडिया जरूर पढ़ेगा, लिखने और पढ़ने दोनों में वो काम करेगा। ये वन टाइम पेमेंट है 88, वन टाइम पेमेंट। ओके, उदित हैज अ क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू गो टू उदित। उदित, आई हैव अनम्यूटेड यू, प्लीज अनम्यूट फ्रॉम योर ओन एंड एंड आस्क योर क्वेश्चन। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग Udit, go ahead. My question is like, so I was demonstrating apps through Android. So I was asking like any, is there any app, OCR recognizer, scan reading app, which can be used for PC also? Udit, my question to you again is, what do you want to read on your PC? Is it a printed book or is it a PDF file or what? What is it that you want to read? Sir, it's a printed book. Printed book, then I showed you the method where you have to use your phone as a scanner, scan the application, scan the book, and save the book on your Google Drive from your phone, open your computer, go to your Google Drive, the book will be there. And what about PDF, sir? PDF should generally, if it's an image PDF. Yes, sir. Open the image PDF in ID Pro, InVision AI or Kibo? No, sir, I'm using, talking about PC. Like, okay, bacha, but then see, PC, the applications which convert the PDF, some are paid, like ARB Fine Reader is a paid application, correct? So yes, I'll give you a very simple way out. You're using an Android phone, correct? No.
Then iPhone? No, sir, I'm not using phone. You're not using a phone. Okay, yep. Tell Mama to give her phone when you want to read PDFs. Okay, so that I can do. Right? There is another way out. The Kibo has just launched an experimental desktop application of Kibo. It's yet not out for general use. They will put it out for general use. It's a website. So you have to upload your PDF and then you can download it as a document, a Word file. Yes. So the service is already on. And sir, I have a question. Like, what about handwritten notes? Handwritten notes, Envision will do a fair job. If the handwriting is good, Envision will do a good job. Lookout will also do a fair bit of job. Handwriting pair. Which one? Yes. And this one. Envision. Envision and what's the other one? Lookout. Lookout, okay. Hanji. Okay, we'll go to Viral. Viral, I've unmuted you. Please ask your question. You'll need to unmute from your end. Hello? Yeah. बताइए क्या सवाल है हाँ सर मैं वीरा बोल रहा हूँ मुंबई से जी सर लुकआउट ऐप में इमेज में जो लिखा हुआ रहता है वो पढ़ते हैं सर लुकआउट ऐप बिल्कुल पड़ेगा इमेज कहाँ है व्हाट्सएप में है इमेज हाँ सर व्हाट्सएप आप ऑप्शंस में जाइए शेयर में जाइए और शेयर करके बेहतर यह है कि आप शेयर विद कीबो कर दीजिए जल्दी हो जाएगा उसमें शेयर विद कीबो हाँ और वो सर रेस्टोरेंट में जो मेन्यूज रहते हैं वो लुकआउट रीड करते हैं बिल्कुल बढ़िया करेगा बहुत बढ़िया करेगा क्योंकि उसमें फ्लैश भी है तो फ्लैश ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी अगर रेस्टोरेंट में लाइट कम है फ्लैश ऑन हो जाएगा और काफी अच्छा हिंदी भी पढ़ लेगा ओके कैन यू रीड लाइन बाय लाइन फॉर एग्जांपल यू वांट टू स्टॉप आफ्टर द फर्स्ट लाइन एंड देन गेट ऑन टू द सेकंड लाइन इज दैट पॉसिबल That is possible for both Envision and Kibo because you are able to save the files. So in those cases, it is definitely possible. Lookout ke andar possible hai, par wo aapko fir external keyboard lagana padega so that you can navigate by character. Okay. Because it's save nahi ho raha hai, it's there on the screen. Okay. Aur sir, Lookout app Gujarati read karta hai sir? Haan, karse na. Bilkul karse. Okay. અને સર એક પૂછું છું હેલો બોલો સર એક એપને બીજા પેજમાં મૂવ કરવું હોય તો સર કઈ રીતના કરવાનું છે એક એપને બીજા પેજ ઉપર તમારે મૂવ કરવું છે પેજ 1 ટુ પેજ 2 માં મૂવ કરવું હોય તો માં કરવું છે વો હિન્દીમાં એનો જવાબ આપું વિરલ કા સવાલ યે હે કે ઉસકો હોમ સ્ક્રીન કે ઉપર એપ્લિકેશન કો મૂવ કરના હે તો લોંગ પ્રેસ કરો વિરલ ઉસકો લોંગ પ્રેસ खोलने के लिए जो उसका जेस्चर है नीचे से ऊपर और राइट नीचे से ऊपर और राइट तो उसमें एक्शन मेनू खुलेगा एक्शन मेनू के अंदर लास्ट ऑप्शन है मूव मूव करोगे तो मूव के अंदर आप करोगे तो फोन थोड़ा वाइब्रेट होगा उसके बाद आप दो फिंगर से स्वाइप करिए दूसरे होम स्क्रीन पे जाइए और जहां भी आपको वो उसको रखना है एप्लीकेशन को वो पॉइंट आप ढूंढिए और डबल टैप कर दीजिए एप्लीकेशन मूव हो जाएगा सर वो मूव ऑप्शन कैसे लाने का सर मूव ऑप्शन कैसे लावानो एक खबर लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोलवानो नीचे से ऊपर और राइट जेस्चर करवानो राइट जेस्चर ओके पछी मूव नीचे से ऊपर और राइट विवेक प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड गो अहेड आस्क योर क्वेश्चन हेलो यस विवेक सर मैं धनबाद झारखंड से बोल रहा हूँ जी बताइए मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो कीबो एप्लीकेशन है
तो इसमें रीड करने मतलब मेरे यहाँ पर कनेक्टिविटी का इशू आता है बहुत, तो इसमें स्कैन करने में जो है इंटरनेट स्लो बार बार आ जाता है। बिल्कुल। तो लुकआउट जो है उसमें ये कनेक्टिविटी इशू के कारण क्या ऐसा हो सकता है? आप ट्राई कीजिए, लुकआउट बैंडविड्थ कम लेता है हमारे अनुभव में जी, पर लुकआउट में आप सेव नहीं कर पाओगे डॉक्यूमेंट को। जी जी, और कीबोर्ड में आप सेव कर पाओगे जी। और एक सवाल है कि जब किसी भी स्कैन रीड डॉक्यूमेंट्स हम लोग करते हैं कोई भी ऐप पर, तो वो इंग्लिश तो काफी अच्छा पढ़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं रीजनल लैंग्वेज में फिर थोड़ा रीजनल लैंग्वेज में कीबोर्ड का रिकॉग्निशन सबसे अच्छा है, और हिंदी के लिए एनविजन का भी अच्छा है। जी जी, थैंक यू सर। ओके जयंत, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, प्लीज गो अहेड। हेलो, आई एम ऑडिबल? यस यू आर, लिटिल टू लाउड दो, दैट्स ओके। आराम से, यू कैन स्पीक सॉफ्टली जयंत, गो अहेड। सो आई वाज स्पीकिंग सॉफ्टली सर, आई हैड माय ईयरफोन्स ऑन, राइट, एंड द माइक इज वेरी सेंसिटिव, सो दैट्स द राइट, सो यू कैन स्टिल स्पीक सॉफ्टली, दैट्स बेटर, गो अहेड। या so my question was that like if I have to read like it's a PDF or a Excel, basically a PDF where it's like some has lots of columns and lots of numbers written, like we get of the merits list when it comes out for the merit list, so at that time it's very difficult to read, correct? So in that case, like which application like can be preferred? So the best option, Jayant, to read that is use an external keyboard. When you use an external keyboard, you will be able to navigate through your columns like you do on your laptop by using the right arrow, left arrow, up arrow, down arrow keys. So if the PDF is something similar to an Excel, there is nothing better than you can use an external keyboard. There is no way you will be able to read it using your touch gesture on your Android or your iOS. You will have to connect your phone to an external keyboard. Okay. An external keyboard is not expensive. Aapko khali ek OTG lagana hai, which costs about 30-40 rupees, or 300-400 rupees ka USB keyboard aayega. So basically it needs to be a like the OTG one, or it can be a Bluetooth keyboard as well. Can be any keyboard. Keyboard is a keyboard. What you need is the navigation of the keystrokes. Whatever. Correct? Try yeah, that. Sure. Okay. Thanks. Next. Vihan has a question. Says, I want to ask that if we have to read menus at a distance, like far away at McDonald's, then how can we do that? Vihan, the question is a question which has multiple questions. First, you need to know where the board is at a distance. If you are able to see that board, then you are not blind. Because कुछ भी चीज को पढ़ना है तो उसको focus तो हमें करना पड़ेगा ना। Paper हमारे सामने है, हम touch कर सकते हैं, इसके लिए हम उसको focus कर पा रहे हैं। अब McDonald's का menu तो दूर कहाँ है? पहले तो हमें अगर totally है तो पता नहीं है कि नहीं है, कहाँ है, left पे, right पे, ऊपर, नीचे, नहीं मालूम। अगर आप पार्शियली भी है तो पार्शियली अगर है तो आप दो चीज ट्राई करिए, कैमरा को आप जूम करके पढ़ के लेने की कोशिश कीजिए अगर आपका इतना विजन है तो। अगर उतना विजन नहीं है और आपको मालूम है कि वो कहाँ है, साइन बोर्ड दिख रहा है पर पढ़ नहीं पा रहे हो, तो फिर आप लुकआउट से ट्राई कीजिए, एग्जैक्ट उसका फोकस लेके हो सकता है कि आप पढ़ पाओगे। टोटली के लिए तो ये असंभव है कि उसको मालूम तो होना चाहिए ना। अगर जॉर्ज और मैं जाएंगे तो हमें मालूम ही नहीं होगा भैया साइन बोर्ड कहाँ है। Okay, thanks, Homiyar. Sonu, you have a question. Please go ahead. Hello, sir. Hello. Anji, Sonu, bole. Sir, जब मैं एक कीबोर्ड पे डॉक्यूमेंट रीड करना चाहता हूँ, वो क्या हो रहा है कि ब्लैंक आ रहा है। This is a English PDF. ऐसा रीड कर रहा है। जब मैं OCR पर क्लिक कर रहा हूँ, वो रिकॉग्नाइज शुरू करता है। ये कैसे हो सकता है? डायरेक्टली नहीं पड़ता है कभी कभी एक डॉक्यूमेंट भी। हाँ, तो वो इमेज पीडीएफ हो, इमेज पीडीएफ होगी, उसमें कैरेक्टर्स है, साइटेड को दिखेगा, पर वो कैरेक्टर्स इमेज फॉर्मेट में है, इसलिए उसको ओसीआर करने से ही वो पड़ेगा। तो आप ओसीआर एक बार कर दीजिए, उसको ओसीआर कर लेगा फिर पड़ेगा।
आपको कहाँ प्रॉब्लम ओसीआर करेगा तो उसमें कीबो में तो फ्री है सर। सर मैं ओसीआर करने के बाद पीडीएफ पे कन्वर्ट कर सकता हूँ कि नहीं? ओसीआर कन्वर्ट होने के बाद उसको टीएक्सटी फॉर्मेट में वो सेव करेगा। पीडीएफ क्यों बनानी, पीडीएफ तो गंदी थी इसलिए तो आपको ये सब करना पड़ा, सही है ना? तो आप जब उसको पीडीएफ से ओसीआर करते हो तो आप टीएक्सटी में बनेगी फाइल, डॉट टीएक्सटी यानी प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट। हाँ सर। फाइल को फिर आप जो भी करना चाहे उसको वर्ड में ले जाइए, आप उसको जो करना चाहे कर सकते हैं उसमें से आप टेक्स्ट कर सकते हो। सर और एक क्वेश्चन है सर, ईस्पीक के मैं खरीदना चाहता हूँ, ईस्पीक पे अंदर पेमेंट ऑप्शन कहाँ पे शो कर रहा है? ईस्पीक के दो वर्जन है, आप जब ईस्पीक लिखोगे ना प्ले स्टोर पे तो दो ईस्पीक आएगा, एक ईस्पीक में कोई प्राइस नहीं बताएगा और एक के नीचे लिखा होगा 88 रुपीस या समथिंग कुछ लिखा है, आपको वो वाला ईस्पीक खरीदना है। अच्छा, दूसरा वाला? हाँ जी, फ्री वाला नहीं लेना है, उसमें बग्स है, वो बिल्कुल ना ले। और अभी कुछ ही समय में एक नया ईस्पीक वर्जन भी बाहर आ रहा है जो ईस्पीक एनजी 1.5, जो वेबसाइट पे प्ले स्टोर पे जो है वो 1.4 है, काफी पुराना है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सर यहाँ पे अभी एक प्रॉब्लम हो रहा है कि ओडिया रीड करने के लिए जो वॉइस है ना थोड़ा प्रॉब्लम हमको कर रहा है। वो तो है बाबू, ओडिया में वॉइस अच्छा नहीं है, इसलिए तो ओडिया का हियर टू रीड का नया टेक्स्ट टू स्पीच इंजिन आ रहा है, उसका बीटा रिलीज हो चुका है और कुछ ही समय में एक दो हफ्ते के अंदर ही आपको हियर टू रीड HEAR हियर डिजिट टू रीड READ रीड आप उसकी प्ले स्टोर में सर्च करोगे वहां आपको नया ओडिया वॉइस मिलेगा, ब्रांड न्यू वॉइस है, बड़ा अच्छा वॉइस है, आप वो ट्राई कीजिए। जी सर, थैंक यू। हाँ जी, ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल टेक फ्रॉम चंद्रनाथ साहब। चंद्रनाथ, आई हैव अनम्यूटेड यू, प्लीज गो अहेड। Chandranath, you'll have to unmute from your end. Shruti, any questions in the chat also? Just have a look. I'm keeping a track on that also. So far I've asked. Okay. So I'm just, okay, while Chandranath figures his audio out, maybe we can go to Anirban. Anirban, I've unmuted you. Please unmute from your end and ask. Yes, good afternoon. Good afternoon. Yes. Well, actually, I have a question on external keyboards and and writing in external keyboards. Actually, writing by using external keyboards and especially in regional languages. I can write in English using an external keyboard. That's which language do you want to write in? Mainly Bangla, Bengali. Bangla, we are working on the support. Hindi takka support has already been achieved. Yes, but if you want to write in Hindi, then definitely it is possible. Bangla, we have started work on it, Bangla and all other languages. Right now, we can write in Hindi, Tamil and English using an external keyboard. Okay. But Marathi, Gujarati, all other languages, we have started work on it. We are working with the developers and hopefully, fingers crossed, we should be able to come up with some solution quickly. And also, let me take this opportunity to congratulate and thank Bookshare for bringing up books in Bangla for our readers in Bengal. Actually, we have been waiting for this to happen for a long time, and now it's happening. It's brilliant, and thank you. I take this opportunity to just thank you, and also to expect that many more books will be released in Bangla. Yes, we have started the process of getting more books for you. So keep an eye out. We will keep on announcing as we get more books in Bangla. Okay. Thank you. Now that there is a big crowd of... Just may I ask my question? This is Chandranath. Would you suggest me a way how to delete the by using audio reader, by using keyboard audio reader, how can I delete the audio files that I can't do? Well, even I'll have to look into it. There will be an option, or you can go into your file manager and do it, Chandranath. By using file manager, I can do it. But while using keyboard through file manager, I can't do this. So it takes a lot of time. That's why I asked. I haven't tried it because I don't use audio files these days. So I have not tried it. There would be an option. Otherwise, you can use Keybo, open the help,
and there is a option for call developers. Option is there. So call the keyboard developers right from your keyboard application, and they should be able to help you. Okay. Thank you. Thank you. Just go into the help and you will find this option. Okay. Thank you. Next. Okay. I'm just going to the next person. This is Jitesh. Jitesh, I've unmuted you. Please unmute from your end. Am I audible, sir? Yes, you are. I wanted to know which will be the best application to read PDF, that is the scan PDF, while keeping the paragraphs intact. Because I think, you know, paragraph-wise reading is the best reading because it is like optimum. It's not line by line, it's way too slow. Sir, I have tried InVision and also I have tried the trial version of ID Pro as well. So, sir, it doesn't do it because it is reading like one text to one page at a time, like in one flow like that. Correct. So, now, point is you need to attach your external keyboard over here. Okay. Correct. The moment you do that, and then when you are within that view of the PDF, the OCR'd PDF, use control down arrow and it will read the next paragraph. I'm partially blind, so I can see the PDF the way it is, like the way it is scanned, and the paragraph which are displayed on the scanned document, the paragraph which is displayed in the InVision, so they are not the same actually. So like in between it creates a new paragraph or it joins two paragraphs, and when it comes to tables, so in tables it doesn't recognize this row and column. So like first row and first column is like below each other, below one another. Table, again, as I said, columns and tables is a very difficult thing for any OCR engine to do. Yes. It will do. It will. It's not much. But Do you have a laptop? Yes, sir. I have. Then try Abbey Fine Reader 14 or 15. If you have Windows 10, use Abbey Fine Reader 15 to convert your PDF. If it is in English, if it is in any other language, it will not work. Okay. Actually, sir, Abbey Fine Reader 15 does a brilliant job of converting your PDFs into accessible Word document, provided it is in English. Okay, Abbey Fine Reader. A-B-B-Y-Y, Abbey. Okay, and it's a paid application or It is a paid application. And one-time payment. Yes, but it is a brilliant. It will give you a 30-day trial. Okay. 30-day trial, enjoy it. Yeah. Brilliant application. For English PDF scanning, nothing better than ABB5Y. Yes, sir. I need for English only. Yeah, it will maintain your tables, it will maintain the columns, it will maintain, even bring the images if they are there, it will bring them. Everything. So I can download that application, purchase that application in my laptop, and I can convert and save the PDF file, and I can read it on my phone as well, right? Absolutely, sir. It's a professional. Okay, and there won't be any other app, like if we want to do it directly, any like that. Because, sir, in Adobe Reader, like if we read it with TalkBack and all, so it is able to recognize paragraphs. But not for all documents. Like for some it does, for some it doesn't. Even if the document is not complex, like there is only text, The PDF is a very dirty document. Exactly. Yes. Right. Dirty. Yeah. Why? Because the editor who creates the PDF. Yeah. Right, they do not take care of these accessibility guidelines. If you take care of the accessibility guidelines, even PDF can become as accessible as Word. But people are not familiar with these guidelines, so they just dump the document and create something which is completely nonsensical. So there are paragraph breaks after each line. So if you press control down arrow, it will read only one line instead of the whole. Yeah, exactly. So it's not a issue with the application, it's the issue with the original PDF. So Abbey Finder generally tries to retain a sensible meaning of the PDF. So the paragraphs and the tables will it will try to maintain it as far as possible.
Okay. So Abby FindReader. Bringing tables from PDF into Word using Abby FindReader, you can select the table. It's a little cited process. Since you're partially cited, I'm telling you. So you can select the table and then right click on it. It will say, see the table, and then you will actually be able to paste the table as a table in your Word document. Oh, so it like strictly converts it into Word, or it can convert like a scanned PDF into text PDF also? It can, no, it will bring it into accessible Word, HTML, and other formats. Okay. Why do you want to keep it as a PDF? From Word, you can again put it back to PDF. That's not an issue. Yeah, right. We can save it like PDF also. Yes. Okay. Because once you bring it as a PDF, then your mobile phone will have very limited options of reading it. Sir, with TalkBack, using TalkBack and using, you know, VoiceOver in iOS device also, it is capable, when it is a text PDF, it is capable of reading paragraph-wise. So, because you are partially sighted, you are able to do that. If you are totally blind, you won't be able to do that. Yes, sir. So, I use a little bit of my eyes and mostly I read it. So, I use a combination generally. Correct. Yeah. So, Things. Yeah, so you're saying that Abby FindReader could be the best option in this case, right? Absolutely. Okay, I'll definitely try it. Sir. And, nothing better than that. Thank you, Jitesh. Thank you. I'll go on to the next person. But before that, Omia, I'm just going to ask Zainab. She's also with us on the call. So just key in the Bookshare membership details and the contact number. Some people have asked that in the chat. So if she can just type that out. How... people can get in touch with Bookshare if they want to take Bookshare membership. There are some school students in the audience who want to do that. Okay, Krit, I have unmuted you. Please unmute from your end and ask your question. Oh, yes. My question is that can be found newspapers on Bookshare or Sugama Pustakalaya? No, matter. We don't have newspapers. Newspapers, I explained, you should use the applications, because if you want to create a newspaper and then convert it and put it on Bookshare, it will be pretty old by the time it comes on Bookshare, because it's a process through which it has to go. So I would recommend, as I said earlier, you should use the applications on your phone to read newspapers, or you should use your Google News feature on your phone to read. Any newspaper website for PC? Every newspaper has a website for PC. Okay. Whichever paper you want to read has a website for PC. Just Google for it and you'll find it. Okay. Thank you. Thanks, Chris. Udit, you have a question again? I unmuted you. Yes, ma'am. So I want to ask, like, as I'm a student, so sir, my question is like, so for the school membership process of Bookshare, is the same the process which I have done? Books, for school membership, institutional membership, we call it institutional membership process. Just write down Zainab ma'am's number. Krit, Udit, if you can type it down, 9650. Sir, just a second. Yeah. Shruti, if you could just type that into... Sir, 9650. 211-575. This is the Bookshare helpline number. Just call up Bookshare helpline and they will guide you better. Sir, just can you check? I'm putting in the chat box. Yeah, it's 9650-211-575. There's somebody called Soumya Rawat Raut who I think wanted to ask something. Sopan, I'm going to him next. Yeah, Sopan, unmute your from your end, please. Thank you, sir. Homiani, sir, main aapse baat karunga. Sir, thank you, Ivy. Thank you, Bookshare, for baat karne ke liye. Ask mere raaye rakhne hai mere kuch. Jab table content hota hai, sir, to OCR related jo bhi application hai, wo us layout mein nahi padte hai. Uske liye humne feedback bhi khair de chuke hain filhal. Iske alawa, main chahunga ki reading एक्सेसिबल पीडीएफ के रिगार्डिंग कोई अगर वेबिनार होता है तो वो बेहतर होगा हमारे लिए, क्योंकि सर अभी कैसा है ना, आईबीपीएस रिगार्डिंग एग्जामिनेशन में बहुत सारे वैकेंसी डिटेल का कॉलम रो वगैरह का पीडीएफ में सब होता है, लेकिन हम जब
उसको रीडिंग नेविगेशन में करते हैं लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, तब के समय वो छोड़ देता है बीच बीच में, जब हम वर्ड करते हैं तभी वो हर एक चीज लेता है, तो ये भी एक्सेसिबिलिटी का बड़ा इशू है। बहुत ही आसान आंसर है बेटे, आप एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज कीजिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज करने से आप लैपटॉप पे जिस तरह से पढ़ते हो बिल्कुल वैसे ही आप पढ़ पाओगे। ओके सर, और NCERT 350 rupees के सॉल्यूशन से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। यस सर, यस डेफिनेटली, और ऐसे वेबिनार भी अवेलेबल है आल्सो, बिल्कुल है, बुकशेयर इंडिया पे जाइए, इंडिया बुकशेयर सॉरी, यूजिंग एक्सटर्नल कीबोर्ड के नाम से ही है। बिल्कुल सर, सर क्या OCR से जो NCERT की किताबें हैं, मतलब PDF फॉर्मेट में ही है, जो अभी फिलहाल तो मतलब अलग ही पड़ती है, लेकिन वो एक्सेसिबल वे में जब OCR करने के बाद पढ़ेंगी, मतलब NCERT की किसी भी किताब को आपको OCR करने की जरूरत ही नहीं है, 7th से लेके 12th स्टैंडर्ड की हिंदी या इंग्लिश मीडियम की सारी NCERT की किताब आपको बुक शेयर पे मिलेगी। सर गूगल टॉकबैक नहीं पढ़ पाता है सर, पिछली बार 2 साल पहले आप, आप पढ़ना नहीं जानते हो शायद अगर बुक शेयर की बुक अगर नहीं पढ़ेगा तो बेटे मेरी तो नहीं, बुक शेयर की नहीं बोल रहा हूं सर, बुक शेयर की नहीं, हम बुक शेयर की, आप मेरी पूरी बात समझिए, हां हां पे ये नहीं पढ़ रहा है वो तो हम जानते हैं, NCERT की वेबसाइट से नहीं पढ़ रहा है, हम जानते हैं उसको, इसीलिए तो बुक शेयर को उसको दोबारा बनानी पड़ेगी। डेफिनेटली सर, 7th से लेके 12th तक की NCERT की सारी किताबें हिंदी या इंग्लिश मीडियम की बुक शेयर पे उपलब्ध है बिल्कुल फ्री में, सही है, आप बुक शेयर के मेंबर बन जाइए NCERT स्पेस, मैं हूं सर, हूं हां, तो आप NCERT स्पेस जो भी कक्षा चाहिए वो लिखिए, आपको सारी बुक सामने आ जाएगी, 12 लिखोगे तो 12th की सारी किताबें आ जाएगी, जो बुक चाहिए आप डॉल्फिन इजी रीडर में पढ़ सकते हो, आप कीबो में पढ़ सकते हो, आप सिंपली रीडिंग में पढ़ सकते हो, एंड्रॉइड पे अगर है तो, अगर आप लैपटॉप पे है तो FS रीडर में पढ़ सकते हो। यस यस सर, हाँ जी, NCERT का तो कोई सवाल ही नहीं, नहीं पढ़ने का। जी बिल्कुल सर, बुक शेयर पे एक्सेसिबल में अवेलेबल है तो बिल्कुल करेंगे सर, बस वही था मेरा जो मैं कीबोर्ड से अब वो वेबिनार फॉलो करके सुनूंगा, जरूर करूंगा, बिल्कुल करिएगा, कोई दिक्कत आए तो हेल्पलाइन नंबर जो अभी हमने बताया उस पर कॉल कीजिए, आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ऑल राइट, देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम सस्मिता हु इज फ्रॉम कटक, आई हैव अनम्यूटेड यू सस्मिता, बबीता शी इज कम, द पर्सन इज कंफर्टेबल इन उड़िया, कैन यू जस्ट फैसिलिटेट दिस क्वेश्चन? यो मैम, कैन यू टेल हर, कैन यू टेल देम टू फर्स्ट अनम्यूट फ्रॉम देयर एंड। सर्मिष्ठा अनम्यूट करा और टेल, लैपटॉप यूज करू सके, लैपटॉप ज्यादा यूज करछ तरे अल्ट ए, अल्ट ए प्रेस कर, नहीं तो मोबाइल ज्यादा यूज करछ तरे स्वाइप करके अनम्यूट गटे बटन अछि ताको डबल टैप। शर्मिष्ठा सुनी पछंदी? नो शी स्टिल, मैम एम आई ऑडिबल? यू आर ऑडिबल बबिता, बट शास्त्रिता इज नॉट। Sashmita has to unmute from her end. Unmute karo, Sashmita. While Sashmita figures the audio, there's a question from Suresh Agarwal saying that if Kurzweil is an option to read newspapers on laptop. Kurzweil, again, the question comes back to the same thing. Kurzweil may be a pura laptop. न्यूज़पेपर को स्कैन करोगे कॉलम्स में, वो जंबल अप करेगा, फिर उसमें आप पता नहीं क्या पड़ेगा, उसको मीनिंग निकालोगे, आप सीधे वेबसाइट पे जाइए पढ़िए आराम से। वेबसाइट से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, अगर कोई आर्टिकल आपको रिसर्च के लिए चाहिए, सब कुछ हो सकता है बिना गलती के, क्यों इतनी मेहनत करनी है, स्कैनर के ऊपर पेपर रखो, स्कैन करो, फिर OCR करो, फिर गलतियां निकालो। Okay, Sasmita, can you just, Babita, can you just call out to Sasmita to unmute? Sasmita, yeah. Sasmita, unmute karo, laptop jadi use karcha, alt A command, jadi mobile use karcha, tahale swipe karke, gote button achi, unmute button, type a double tap. See, I got 6 more minutes, I have to jump onto another call.
at the we are at the end of all questions so far. Great. If Sasmita comes on, otherwise we are good to close also. Good. अगर ऐसा ही बबीता तो अगर सुष्मिता का नंबर आप लोगों के पास है उसको कॉल करके पूछ सकते हैं कोई प्रॉब्लम हो तो आप पे या हेल्पलाइन पे कनेक्ट करवा सकते हैं. Yeah, we'll have a Sushmita's registration details so we can do that. Sure. WhatsApp group 38 minutes ago. Chidamani Rao, the alumni group. Speech off. Any more questions, Shruti? No, not at the moment. Ayush Thakkar, one second. Last question we'll take from Ayush Thakkar. Ayush, I have unmuted you. Please unmute from your end. Ayush? And let's also check with Sanyas Behra whether he would want to ask any questions. Yeah, Ayush, go ahead. A very good evening, sir. So actually, my question is a little off topic. So I wanted to know that does Bookshare have any webinar on research for blinds? So basically, like, I want to do online research. So I find it very difficult to research online. So is there any such webinar which can like make it easier? I think you got the world's biggest resource in George and Shruti. Just get in touch with them offline, Ayush. Okay, sir. All right. They run the hotel highway, so research is just something that they do every day. So just get in touch with them. Sanyas Behra, can you unmute yourself and... I have unmuted you, Sanyas. And Sanyas has written whether there are any Android smartphone with keypad facilities. Sanyas, you're... You have to buy an external keyboard, which is very cheap these days, so... But is it affixed, sir? Is it... whether the keypad will be affixed? Is there any phone? नहीं, external keyboard है सन्यास, आप चाहे तो ब्लूटूथ ले लो जो फोल्डिंग आते हैं छोटे से आते हैं, या फिर इवन आपका रेगुलर यूएसबी कीबोर्ड जो कंप्यूटर के साथ जुड़ता है वो भी आप लगा सकते हो ओटीजी के थ्रू. तो जो ओडिया स्पीच इंजन के बारे में आप लोग बताए हैं, ये थोड़ा विस्तार से बताएं कि ओडिया स्पीच इंजन के बारे में. टेक्स्ट टू स्पीच जो ओडिया का है, हियर टू रीड अभी नया लॉन्च कर रहे हैं, आज ही उसका बीटा लॉन्च हुआ है जी. तो आप हियर टू रीड की वेबसाइट पे जाइए, वहां आपको बीटा लॉन्च ट्राई करने को भी मिल जाएगा. आप टेस्ट कीजिए, सुरेश बजाज को अपना फीडबैक भी दीजिए अगर कुछ चेंजेस आप करना चाहते हैं. आपके लिए खास बनाया गया है. HEAR नंबर 2 READ. अभी फ्री वर्जन है, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है और बहुत मेहनत के बाद बना है ये. उड़िया और आसामी दो लैंग्वेजेस अभी अभी ऐड हुई है. आसामी का तो फुल फ्लेज आ गया है रिलीज, और उड़िया का आज बीटा आया है, तो आप जरूर उसको ट्राई करें. ये बुकशेयर में सर उड़िया बुक्स कितना अभी? उड़िया बुक्स अभी तक नहीं था क्योंकि टेक्स्ट टू स्पीच इंजन नहीं था. अभी टेक्स्ट टू स्पीच अगर आप लोग अच्छा है उसको सर्टिफाई करोगे तो फिर हम उड़िया बुक्स बनाना शुरू करेंगे. ठीक है सर, ठीक. सोनू नायक का श्रुति, he's already asked his question. Sonal Naik, okay. So I think we're done now, Homiyar. Okay, so thank you very much, Homiyar. Thank you very much, all of you who have taken the time to be part of this this session. Bahut bahut shukriya, aapne apna time diya aur is session ko attend kiya. और होमियार बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सरल तरीके से इन चार एप्लीकेशंस जो मोबाइल एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी दिया और डेमो दिया, और उम्मीद है कि ये सबके लिए फायदेमंद हुआ. बहुत बहुत शुक्रिया. और ये एक अनाउंसमेंट है, अगले हफ्ते क्योंकि ये दिवाली का हफ्ता है, जाहिर है कि आप लोग सब गाँव जाएंगे, अपने त्योहार के सेलिब्रेशन में आप लोग मग्न रहेंगे. तो वी विल नॉट बी हैविंग अ सेशन ऑन द 12th. इंस्टेड आवर नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन द 19th, जो 19 तारीख को होगा. तो उसके बारे में डिटेल्स हम अगले हफ्ते शेयर करेंगे. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस सेशन में ज्वाइन किया, एंड हैव अ गुड इवनिंग. थैंक यू. थैंक यू.
organized a beautiful. Oh, thank you, Homier, once again. Bye. See you on Sunday, Shruti. Yes. And tomorrow also. Thank you.